So let's start. Today's we are going to study about the beautiful short story of D.S. Lawrence, and that name is The Rocking Horse Winner. The Rocking Horse Winner. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑथर डी.एस. लॉरेंस कौन थे और थोड़ी बहुत उनकी रचना है. डी.एस. लॉरेंस बहुत ही एमिनेंट राइटर थे जो इंग्लैंड में पले बड़े थे, पैदा भी वहीं हुए थे, और उनकी बहुत सारी अच्छी नॉवल, बहुत सारी पोएट्री कलेक्शंस, बहुत सारे प्रोज उन्होंने लिखे हुए हैं. उनमें से कई सारी हैं, द रेनबो विम, द विमेंस इन लव एंड लाइक दिस अलॉट मेनी बुक्स एंड स्टोरीज ही हैज रिटन, एंड ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी टू. So without wasting the time, we will just go to the story. So here we are, The Rocking Horse Winner by D.S. Lawrence. Story शुरुआत होती है कि एक घर में एक लेडी होती है और उसके बच्चे होते हैं. तो वो हालांकि लेडी काफ़ी ब्यूटीफुल होती है और सी थिंग्स दैट द चिल्ड्रन वर पॉसिबली इम्पोज ऑन हिम ऑन हर सॉरी. तो मतलब लड़के उसके ऊपर थोपे गए हैं, वो मतलब कि ज़बरदस्ती बच्चों को पाल रही होती है, बट लोगों को ऐसा दिखता है कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही है. और एक्चुअली होता यूँ है कि वो पहले काफ़ी अच्छी खासी फैमिली से रहती है, उसकी फैमिली में सब कुछ रहता है, अमीर रहती है, लेकिन उसको लगता है कि उसका लक जो है उसका साथ नहीं है, क्योंकि उसने एक अनलकी हस्बैंड से शादी कर लिया है. ऐसा वो अपने बेटे पॉल से जब बात कर रही होती है तो अपने बेटे पॉल को ये बताती है कि वो लोग लकी होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं. मतलब कि पैसा जिसके पास है वो लकी है, अगर जो लकी है उसके पास पैसे हैं, कहने का मतलब ये है, उसका ये थॉट होता है. तो उसका बच्चा सोचता है कि यार हम लोग लकी नहीं है इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास अपनी कार भी नहीं है. इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और वो सबको फुलफिल करने के लिए सोचने लगता है. तो उसको उसके एक अंकल ऑस्कर होते हैं. अब अंकल ऑस्कर के साथ मिलकर के वो वेटिंग स्टार्ट कर देता है. वेटिंग कैसे करता है, उसके पास एक रॉकिंग हॉर्स होता है. रॉकिंग हॉर्स पे वो जब उसको राइड करता है तो उसको लगता है कि एक आइडिया आता है दिमाग में कि ये वाला घोड़ा वो जीतेगा. और वो रेस कोर्स में जो उसका अंकल ऑस्कर होता है वो वहाँ पे बेटिंग करता है और उस बेटिंग में मतलब सट्टाबाजी करता है. उस सट्टे में जिस घोड़े पे दाव लगाया जाता है उस पे जो जीतता है उसको उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, कोई 10 times कोई 14 times, इस तरह से उस पे कई तरह की मनी अलॉट होती है. तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है. और इस कहानी में ये भी बताया गया है कि किसी घर में अगर जो हरदम पैसे की किल्लत रह रही है और उसकी माँ को खासकर अपने बच्चों को हरदम पैसे का पैसे मतलब हाई पैसा टाइप का करती रहती है, तो उसकी वजह से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो उसको कहीं ना कहीं वो उनके अंतर मन में जाकर के वो बातें बैठ जाती हैं और उसको किसी न किसी तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. अब उस बच्चे को लग रहा था कि वो लकी है और वो लकी बनने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था और बस वो रॉकिंग हॉर्स पे जाकर के बैठता था ताकि उसको बहुत सारे पैसे मिले, उसको पता चले कि कहाँ पे कौन सा घोड़ा है जो जीतने वाला है और उस पे वो बेट करके वो पैसे कमाए. हालांकि अंकल ऑस्कर के साथ वो बेटिंग करता था मिल करके, बट उसने बोला था कि अब ये बात माँ को मत बताना, क्योंकि उसकी माँ ये सब हालांकि थी, वो उसको पैसे का थोड़ा सा था कि मतलब कि पैसे नहीं है घर में या फिर एम्बिशियस लेडी थी, बट उसका मतलब ये भी नहीं था कि पैसे आए तो इस मीन से आए, बेटिंग से आए, जुआ से आए, उसका मतलब ये नहीं था. वो चाहती थी कि पैसे आए घर में. इस तरह से जो पॉल था घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते इतना खुद में खो जाता था कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन आ रहा है जा रहा है. और इस तरह से उसको तबीयत खराब होने लगी और तबीयत खराब खराब होते होते इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो मतलब कि बहुत बीमार हो गया और मरने के कगार पर आ गया. अब बस एक बेड पर बैठा बैठा और अपने घर में वही सब करता रहता था कि रॉकिंग हॉर्स को दौड़ाता रहता था. वहाँ से उसको आइडियाज़ मिलते थे कि वो कौन सा घोड़ा जो जीतने वाला है. और लास्ट में क्या होता है कि
वो घोड़ा तो जीतता है जो ये बोलता है कि मालाबार करके लास्ट में, और वो घोड़ा जीतता है बट ये मर जाता है, और ये इतना दुखद अंत होता है इस कहानी का। लियस लॉरेंस ने इतना दुखद और इतना मार्मिक अंत दिया है कि एक बार जब पूरी कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जो बच्चे का जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो मतलब कि इस तरह से वो अपने दिमाग पे जो हावी होने दिया, और उसकी माँ को उसके घर वालों को इस हिसाब से उसको पालना था कि वो उसको ऐसा कभी फील ना हो कि पैसे की ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन वो इस काम में वो लोग फेल हो गए, और उसको ये पैसे की जो किल्लत को ख़त्म करने की जो होड़ उसके दिमाग में लग गई उससे वो बच्चा मर जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको स्टोरी अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट डाल सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डू यू नीड एंड व्हाट टीचिंग एड्स शुड आई प्रीफर टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश वेरी ईजली यू कैन टेल मी, वेरी फ्रेंकली यू कैन टेल मी दैट दिस लैंग्वेज इज प्रिफरेबल टू यू, एंड आई विल बी कंप्लीटली एंड totally I am very comfortable with English, so I can teach you in English, but the mainly main focus of mine is to make you understand the whole idea behind the text. Thank you very much.